नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी फ्रेंड्स, और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग लाला लाजपत राय जी के बारे में बात करेंगे। लाला लाजपत राय जी की बायोग्राफी देखेंगे, उनके थॉट प्रोसेस को देखेंगे, आइडियोलॉजी को देखेंगे, और फिर देखेंगे कि उनका रोल क्या था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ। एक बात ध्यान दीजिएगा कि इस वीडियो में मैं आपके सामने बिल्कुल स्टोरी की तरह चलूँगा। टेक्स्ट मैंने खैर बनाया ही नहीं है, इस पीपीटी में बिल्कुल भी टेक्स्ट नहीं है, सिर्फ मेरी ऑडियो है और एक स्टोरी सी चलेगी आपके सामने। और बहुत ही इजी रखूँगा मैं स्टोरी को फ्रेंड्स, और बहुत ही छोटी रखने की कोशिश करूँगा वीडियो को, ताकि आपको क्रक्स समझ में आ जाए। तो ये मैं आपके लिए लेके आया फ्रेंड्स। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स ये वीडियो हिंदी में है, अगर आप इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। अब देखिए, इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था 28 जनवरी 1865 को, और इनकी जो मृत्यु हो गई थी वो हुई थी 17 नवंबर 1928 को। और ख़ास बात ये है कि जो इनकी डेथ थी फ्रेंड्स वो एक नेचुरल डेथ नहीं थी। साइमन कमीशन पे जब अक्टूबर में इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन स्टेज किया था लाहौर में, तो उस लाठीचार्ज में स्पेशली इनको टारगेट किया था इंग्लिशमैन ने। उन्होंने अपनी पुलिस को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि टारगेट दिस पर्सन लाल लाजपत राय, और इनके चेस्ट में बहुत सी लाठियां लग गई थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंजोर्ड हो गए थे, और कहा गया है कि उसी की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। तो थोड़ा इसको हम बाद में देखेंगे। तो इनका जन्म हुआ था पंजाब में, एक जगह है दूधी के नाम की। इनके फादर का नाम था मुंशी राधा कृष्ण आज़ाद जी, इनकी माता जी का नाम था गुलाब देवी। बहुत ही स्पिरिचुअल और रिलीजियस मदर थी इनकी माता जी, और उनके माता जी के ही संस्कार थे कि ये बहुत ही हाई कैरेक्टर के इंसान थे। बहुत सारे डिफरेंट फेथ्स में इनका बिलीफ था, ठीक है, लेकिन आइडियोलॉजी इनकी थोड़ी सी एक्सट्रीमिस्ट थी। इनकी वाइफ का नाम था राधा देवी, कि इनके बच्चों के नाम थे अमृत राय, प्यारे लाल और पार्वती। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में इनकी पढ़ाई हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ तो ये एसोसिएटेड थे ही, साथ साथ ये आर्य समाज के साथ भी एसोसिएटेड हुए। इनकी बहुत सी पब्लिकेशंस हैं, जैसे द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन 1908, फिर आर समाज 1915, फिर ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गए थे तो वहाँ पे इन्होंने लिखा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हिंदू इम्प्रेशन 1916, फिर यंग इंडिया लिखा इन्होंने 1916 में, फिर इंग्लैंड्स डेप्ट टू इंडिया 1917। बहुत से इनके पब्लिकेशन है फ्रेंड्स। तो इनका जो इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है ना, उसमें इंपॉर्टेंट रोल रहा है लाला जी का। और ख़ास बात यह है कि एक चीज़ आप सुनते होंगे, बचपन से हम लोगों ने सुनी है पढ़ाई करते वक्त, लाल बाल पाल। उस लाल बाल पाल में लाल तो लाला लाजपत राय जी थे, बाल थे बाल गंगाधर तिलक जी, और पाल थे आपके बिपिन चंद्र पाल फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये ट्रायो था, फायर ब्रांड ट्रायो था उस समय पे, और अभी इस ट्रायो के बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, ठीक है। इनको पंजाब केसरी का टाइटल भी दिया गया था, इनको लॉयन ऑफ पंजाब बोला जाता था लाला जी को। और पंजाब नेशनल बैंक के फॉर्मेशन में भी इनका बहुत बड़ा हाथ है फ्रेंड्स। और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की थी, जैसे कि 1897 में क्या हुआ फ्रेंड्स, कि जो ऑर्फन बच्चे होते थे ना, तो क्रिश्चियन मिशनरीज क्या करते थे कि उन ऑर्फन बच्चों को कस्टडी लेके उनको खाना पीना अच्छी एजुकेशन तो देते थे, साथ साथ उनको क्रिश्चियन बना देते थे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए लाला लाजपत राय जी ने 1897 में हिंदू ऑर्फन रिलीफ मूवमेंट चलाया, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की थी, तो डिटेल में देखते हैं। 28 जनवरी 1865 को इनका जन्म हुआ। इनके फादर मुंशी राधा कृष्ण आज़ाद, ये एक स्कॉलर थे उर्दू के और पर्शियन के, तो ये इनके माता और पिताजी की इन्फॉर्मेशन है। बच्चों की इन्फॉर्मेशन और बहुत ज़्यादा पेरेंट्स की और सिबलिंग्स की इन्फॉर्मेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इनकी इनिशियल एजुकेशन हुई, जो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है फ्रेंड्स, वो रेवाड़ी में एक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ से हुई है। वहाँ पे इनके फादर एज अ टीचर पोस्टेड थे पर्शियन के उर्दू के। उसके बाद लाला लाजपत राय जी ने 1880 में गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन किया लाहौर का। क्या पढ़ने के लिए? इन्होंने लॉ पढ़ने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन किया था लाहौर का। और जब इस गवर्नमेंट कॉलेज में थे वो, तब उनकी और भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स और लाइक माइंडेड पैट्रियॉट जो थे इंडिया के, उनसे इनकी मुलाकात हुई, जिसमें थे लाला हंसराज जी थे, पंडित गुरुदत्त जी थे, और भी बहुत सारे लोग थे ना, क्योंकि इनका यूथ का टाइम था। ये यूथ में बहुत सारी एनर्जी होती है शरीर में, इंसान बहुत ज़्यादा उसका मोराल हाई होता है, और उस समय पे इतना हाई कैरेक्टर का पर्सन और इतना स्ट्रांग विल का पर्सन, तो ऑब्वियसली जो लाइक माइंडेड पर्सन है उनका एक ग्रुप बन जाएगा, चूँकि नेशनलिज्म की भावना तो थी ही इनके अंदर, ठीक है। फिर जब इन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई कम्प्लीट कर ली गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से,
उसके बाद इन्होंने अपनी लॉ की प्रैक्टिस शुरू की। लॉ की पढ़ाई के बाद लॉ की प्रैक्टिस शुरू होते हैं। कैसे होती है प्रैक्टिस? कि आप अपने आप को किसी बड़े वकील के साथ जोड़ लेते हैं और उसको असिस्ट करते हैं उसके काम में। आज भी ऐसा ही होता है। तो जब वो बड़ा वकील कहीं केस लड़ता है तो आप उसको देखते हो, उसकी मदद करते हो, उसको ऑब्जर्व करते हो और आप खुद बड़ा बनने की कोशिश करते हो। तो इन्होंने प्रैक्टिस शुरू की अपनी हिसार हरियाणा में। लेकिन छोटे से ही इनका अपने देशभक्ति की जानना इनके अंदर बहुत थी। ये देश को सर्व करना चाहते थे और इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई फॉरेन रूल इनके देश में आके इनके ऊपर राज करे। उसके बाद 1884 में ये रोहतक चले गए। 1877 में इनकी शादी हुई। इनकी वाइफ का नाम था राधा देवी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब चीज़ें हैं। और जब 1888 और 1889 का एनुअल सेशन हुआ ना इंडियन नेशनल कांग्रेस का, देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस बना कब था? 1885 में बना था। एग्जैक्ट डेट जहाँ तक मुझे याद आ रही 28 दिसंबर थी। तो उसके बाद साल भर साल सेशन हो रहे थे, मेंबरशिप बढ़ रही थी। तो 1889 में और 1888 में लाला लाजपत राय जी ने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस को अटेंड किया एज अ डेलीगेट। ठीक है, और उसके बाद 1892 में वो हाई कोर्ट लाहौर में जाके अपनी प्रैक्टिस करने लगे। अब एक खास बात और है लाला लाजपत राय जी के अंदर, कि अगर ये पूछा जाए कि नेशनलिज्म की भावना इनके अंदर तेजी से बढ़ के कहाँ आई। देखिए उस समय चारों तरफ ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं। आप एक बात और ध्यान दीजिए, 1870 जिस समय पर ये एक्टिव थे, ठीक है, 1880s का टाइम, 1890s का टाइम, उस समय नेशनलिज्म की भावना बहुत ज़्यादा तेज नहीं थी। वो रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म का फेज नहीं आया था। 1885 में कांग्रेस बन जरूर गई थी लेकिन वो मॉडरेट्स के थ्रू डोमिनेटेड थी। और मॉडरेट्स का तरीका क्या था आपको पता ही है, प्रेयर प्रोटेस्ट पिटीशन। तो ये बिल्कुल ही मॉडरेट तरीका था, कुछ भी इसमें रेवोल्यूशनरी नहीं था। लेकिन लाला लाजपत राय के अंदर ये जो रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म आया है ना, ये एक बहुत वोरेशियस लीडर थे। बहुत पढ़ने का शौक था इनको, अलग अलग पब्लिकेशंस को, और पैट्रियटिज्म और नेशनलिज्म के जो आइडियल्स थे ना, ये इनको बहुत अपील करते थे। और ये आइडियल्स इन्होंने एक इटालियन रेवोल्यूशनरी लीडर को पढ़ा था जिनका नाम था मजीनी, गियोसेप्पे मजीनी। मजीने के बारे में मैं कभी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो मजीनी के आइडियल्स ने लाला लाजपत राय जी को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है और उन्होंने सोचा कि रेवोल्यूशनरी वे इज़ अ वेरी पोटेंट वे ऑफ अटेनिंग फ्रीडम, यानी हम एक रेवोल्यूशन ला के अपनी फ्रीडम को जल्दी पा सकते हैं। और इस आइडियोलॉजी में इनका साथ किसने किसने दिया? बिपिन चंद्र पाल जी ने किया, और अरबिंदो घोष जी थे बंगाल के, उन्होंने किया, महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक जी थे। ये वो लोग थे जिन्होंने लाला लाजपत राय के साथ जिनकी आइडियोलॉजी मैच होती थी। ये लोग सोचते थे कि भाई ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो मॉडरेट्स ने डोमिनेट कर रखा है और ये जो मॉडरेट पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि हम भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को इस्तेमाल करेंगे, प्रेयर करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, पटिशन करेंगे पीसफुली, तो इससे तो कुछ होने वाला है नहीं। तो इस बात पर विपिन चंद्र पाल जी भी एग्री करते थे, और अरबिंदो घोष जी भी एग्री करते थे, बाल गंगाधर तिलक भी एग्री करते थे, लाल लाजपत राय भी एग्री करते थे। और इस ग्रुपिंग की वजह से यू नो लाल बाल पाल वाला नाम आया था। और अरबिंदो घोष इसमें नहीं है। 1905-07 के बाद देखेंगे कि अरबिंदो घोष अपना आश्रम बना लेंगे जाके पौंडीचेरी में, उनके बारे में भी हम कभी आगे वीडियोज़ में बात करेंगे, ठीक है। तो ये सब लोगों ने मिलके अपनी कॉमन राय रखी कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में इतनी मॉडरेट पॉलिटिक्स अच्छी नहीं है, ठीक है। और ये जो कांग्रेस की डिमांड थी ना मॉडरेट्स की, कि भाई धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी और हम लोग को डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा, लेकिन 20th सेंचुरी की शुरुआत में ही बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष, इन लीडर्स की एक कंबाइंड सोच थी कि भैया हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं मांगना चाहिए, हमको मांगना चाहिए पूर्ण स्वराज। इंडियन नेशनल कांग्रेस मॉडरेट्स के थ्रू डोमिनेटेड थी, और मॉडरेट्स का क्या कहना था कि भाई धीरे 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 करके हमको पावर मिलती जाएगी और हम फाइनली डोमिनियन स्टेटस तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आप ये देखोगे कि डोमिनियन स्टेटस तो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे जाने को तैयार हुई ब्रिटिश सरकार देने के लिए। तो यहाँ पे जो मॉडरेट पॉलिटिक्स थी वो काम नहीं कर रही थी, इन एक्सट्रीमिस्ट का व्यू बिल्कुल सही था। चलिए देखते हैं। अच्छा आप सोचिए 20th सेंचुरी की शुरुआत में पूर्ण स्वराज का कंसेप्ट दे दिया था लाला लाजपत राय जी और इनके साथियों ने, और आप देखिए कि कांग्रेस ने रेजोल्यूशन कब लिया पूर्ण स्वराज का, 1930 में, ठीक है। तो ये लोग समय से बहुत पहले थे। उसके बाद लाला लाजपत राय जी का इंटरफेथ हारमोनी में बहुत मानना था, वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के सपोर्टर थे। लेकिन उनको इस बात से प्रॉब्लम थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में बहुत सारे जो लीडर्स थे
वो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मुस्लिम लीडर्स थे ना, उनको अपीज करने के लिए बहुत सारे कहते हैं ना कि आप छूट दे देते हो, तो ये चीज़ इनके अंदर थी कि नहीं ये छूट नहीं देनी चाहिए। तो लाल लाजपत राय जी आप कह सकते हो कि हल्का सा रिलीजन टिंज था उनके अंदर, और वैसे तो नहीं कहना चाहिए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के वो बहुत बड़े सपोर्टर थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बातों से ऐसा लगता था कि हिंदू और मुस्लिम फेथ को कभी ना कभी आपस में बंटवारा हो सकता है या एक दूसरे से लड़ सकते हैं। इसका हिंट 1923 के समय पे ही लाला लाजपत राय जी ने दे दिया था, हालांकि यूनिटी के वो बहुत बड़े सपोर्टर थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आगे हम देखते हैं तो नेशनलिस्ट व्यूज़ थोड़ा थोड़ा इनका इस तरीके का था। पॉलिटिकल कैरियर की बात की जाए तो लाला लाजपत राय ने अपना ये जो लीगल प्रैक्टिस थी लॉयर वाली, इसको छोड़ दिया और उन्होंने बोला कि अब इस ब्रिटिश इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट में लड़ना पड़ेगा, और उसके लिए उन्होंने ये सोचा कि अगर इन ब्रिटिशर्स को हराना है तो सबसे पहले पूरी दुनिया में बताना पड़ेगा कि ये ब्रिटिश राज इंडिया में आके क्या कर रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि भाई पूरी दुनिया को तो पता ही नहीं है कि ये ब्रिटिश राज कर क्या रहा है। तो वो ब्रिटेन गए 1914 में, लोगों को बताने की कोशिश की कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे इंडिया में, आपके ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गए 1917 में, अक्टूबर 1917 में इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका बनाया न्यूयॉर्क में। 1917 से लेकर 1920 तक ये अमेरिका में रहे, उसके बाद ये वापस आए। 1920 में आके इन्होंने कांग्रेस के कलकत्ता सेशन पे ये प्रेसिडेंट चुने गए, एक स्पेशल वो था सेशन था ये। उसके बाद जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था ना, तो जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद बहुत ही ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ था, उस प्रोटेस्ट को पंजाब में, ऑब्वियसली बात है ये पंजाब में हुआ था, तो पंजाब में इस प्रोटेस्ट को लीड किया था लाला लाजपत राय जी ने। और उसके बाद जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की तो पंजाब में उस मूवमेंट की कमान संभाली लाला लाजपत राय जी ने पूरे दम से। लेकिन जब चौरी चौरा का कांड हो गया और गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया, तब लाला लाजपत राय जी ने गांधी जी को बहुत क्रिटिसाइज किया, उन्होंने बोला कि यहाँ पे महात्मा ने गलत कर दिया है। ठीक है, और बिल्कुल अगेंस्ट बोले वो गांधी जी के। फिर उसके बाद आपको पता है कि साइमन कमीशन, ठीक है, आना था 1919 में, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, कहा गया था कि 10 साल के बाद, जिसको हम लोग मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का जो रिव्यू होना था 10 साल बाद होना था, 1929 में बोला था, लेकिन साइमन कमीशन को अनाउंस 1927 में ही कर दिया। जब ये साइमन कमीशन इंडिया पहुंचा तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ जबरदस्त। प्रोटेस्ट क्यों हुआ? क्योंकि सब लोगों का ये बोलना था कि भाई साइमन कमीशन में कोई इंडियन लीडर तो है ही नहीं, मतलब गोरों ने अपनी टीम बना ली और अब वो ये डिसाइड करेंगे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कैसे होगा। तो इस बात से सबको प्रॉब्लम थी, लाला जी को भी प्रॉब्लम थी, ठीक है ना, और ये बात तय हो चुकी थी कि इसके खिलाफ हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। याद रखिएगा, पीसफुल प्रोटेस्ट, उन्होंने कभी भी वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं बोला। साइमन कमीशन पे वीडियो मैं बना चुका हूँ फ्रेंड्स, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। राइज किया साइमन कमीशन के अगेंस्ट में, लेकिन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उस समय पे जेम्स ए स्कॉट थे, उन्होंने लाठी चार्ज का ऑर्डर दे दिया और खासकर पुलिस ने लाला लाजपत राय जी को टारगेट किया, उनके चेस्ट में बहुत सी आठियां पड़ गई। अब उम्र हो गई थी उनकी, 1928 का टाइम है, 1865 में जन्म हुआ है, 35 और 28, आप समझ सकते हैं कि ये लगभग इस समय पे 35 और 28 63 ईयर्स के थे। तो 63 ईयर्स के इंसान को अगर आप सीने पे लाठियां मारोगे तो प्रॉब्लम तो होगी। तो इनको काफ़ी चोटें लग गई थी और कहा जाता है कि इन चोटों की वजह से ही 17 नवंबर 1928 को हो गई इनकी मृत्यु। ठीक है, अब इस बात तो थोड़ा सा डाउट है कि इनकी मृत्यु एग्जैक्टली किस वजह से हुई थी, ठीक है, लेकिन उस पर नहीं जाते हैं। यही है हिस्टोरिकल फैक्ट कि इनकी मृत्यु उस लाठी चार्ज की वजह से हुई थी, और उसके बाद इंडियंस में बहुत गुस्सा आ गया था, खासकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसके बाद जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन बना था उसके मेंबर्स को बहुत गुस्सा था। और फिर उन्होंने एक प्लान बनाया चंद्रशेखर आज़ाद जी और भगत सिंह ने मिलकर कि इस स्क्वाड को मार डालेंगे, और उस प्लान में उन्होंने गलती से स्क्वाड की जगह जेपी सॉन्डर्स को मार दिया। इसकी वीडियो भी मैंने बना दी है, नीचे मैं लिंक दे दूंगा। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, सब पे वीडियो बना रखी है मैंने फ्रेंड्स, नीचे लिंक दे दूंगा, आप देखिएगा ज़रूर।
ठीक है। फिर अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इनकी लेगेसी भी बहुत बड़ी है इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट में, इनको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और ख़ास बात यह है कि भले ही इन्होंने डायरेक्ट रेवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट ना किया हो फ्रेंड्स, लेकिन इन्होंने बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज को इंस्पायर किया, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये बहुत मानते थे लाला लाजपत राय जी को। और आप इतना मानते थे कि जब इनकी लाठीचार्ज में मृत्यु हुई तो उन्होंने उठा के एक ब्रिटिश ऑफिसर को मार ही डाला। और बाद में इसी के चलते लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस चलेगा, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सज़ा होगी। आप आगे देखिएगा, ये सब मैंने वीडियोस बना रखी हैं पहले, ठीक है। अब खास बात यह है कि अगर सोशल रिफॉर्म फील्ड की बात करें तो लाला लाजपत राय जी आर्य समाज से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड थे, दयानंद सरस्वती जी की आइडियोलॉजी को ये सपोर्ट करते थे, और आपको पता है कि इन्होंने ही आर्य समाज बनाया था। तो आर्य समाज की एक्टिविटीज़ में लाला लाजपत राय जी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। साथ साथ उन्होंने एक बैंक की स्थापना की थी जो आज की डेट में पंजाब नेशनल बैंक माना जाता है, ठीक है। हेल्थ केयर की फील्ड में उन्होंने बहुत कुछ किया, एजुकेशन की फील्ड में किया, कॉमर्स की फील्ड में किया। अपनी माताजी गुलाब देवी के नाम पे इन्होंने एक ट्यूबरक्लोसिस हॉस्पिटल बनाया, गुलाब देवी चेस्ट हॉस्पिटल के नाम से। तो उन्होंने बहुत कुछ किया है इंडियन सोसाइटी के लिए फ्रेंड्स, सोशल फील्ड में भी, एजुकेशन फील्ड में भी, पॉलिटिकल फील्ड में भी, हेल्थ फील्ड में, और नेशनलिस्ट तो ये सबसे बड़े थे ही। तो ये था लाला लाजपत राय जी के बारे में फ्रेंड्स, ये एक स्टैम्प है जो इनको कमेमोरेट करती है, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हमारे से, हमारी देश के, यू नो, फ्रीडम स्ट्रगल के। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स, अगर पसंद आ गई हो तो इसको ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और प्लीज़ हमें बताइए कि अगर आपको ये वीडियो नहीं पसंद आ रही है तो क्यों नहीं पसंद आ रही है, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।